फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं MRP एग्रो लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कंपनी की तरफ से जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे कैसी आई है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट दिया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे लैक्स में है, तो हमको यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो जनरेट हुआ है कंपनी का वो कितना हुआ है, 7 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 21 करोड़ के आसपास, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यहाँ पे 13 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू यहाँ पे ड्रॉप हुआ है Q-on-Q, Y-on-Y बेसिस पे, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं है। एक्सपेंसेस की बात करें, यहाँ पे 7 करोड़ हुआ है लास्ट क्वार्टर, 21 करोड़ हुआ था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, यहाँ पे 12.5 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम है, रेवेन्यू ही कम है तो एक्सपेंसेस कम ही होंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कंपनी ने कमाया, 35 लाख लास्ट क्वार्टर, 47 लाख लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, 11 लाख। तो Q-on-Q बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, बट Y-on-Y बेसिस पे अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 26 लाख कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लास्ट क्वार्टर, 35 लाख लास्ट ईयर, यहाँ पे 8.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिटेबिलिटी Q-on-Q बेसिस पे कम हो गई है और Y-on-Y बेसिस पे बढ़ गई है। तो यहाँ पे नंबर मिक्स है, तो यहाँ पे नंबर नेगेटिव साइड ही यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर कट नज़र आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए आने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा।